अहिंसा का पुजारी, सत्य का शोधक, मुक्ति का साधक, भक्ति का राही, विश्व भर में पूज्य, वो त्याग मूर्ति, वो तपोनिष्ठ, वो शांति दूत, वो तपह पूत, आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि। जब आया भू पर, जब दिशाएं सभी गुंजार उठी, हे मुनिवर तेरी जय। आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि, पुरस्कार विजेता आचार्य लोकेश मुनि जी, डिस्टिंग्विश्ड अवार्डीज आचार्य लोकेश मुनि जी, आचार्य लोकेश मुनि जी। धवल वेश में जैन संत जो अहिंसा से परिपूर्ण हुआ था, सागर पीता शिखर लांघता, यात्रा पर प्रपृत हुआ था। जी हां, आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि इस तथ्य और सत्य को बखूबी जानते थे कि लोक भ्रमण के बगैर लोक कल्याण की सिद्धि नहीं हो सकती, और यहीं से शुरू हुआ एक क्रांतिकारी संत का सफर। लंबे पद, सभी बाधाओं को पार कर लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। फिर क्या भारत और क्या अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया भर के कोने कोने में उन्होंने अहिंसा के मर्म को धर्म के रूप में स्थापित करने की कामयाब कोशिश की। इसी मर्म के बूते उनके साथ देश भर की समस्त आध्यात्मिक शक्तियों ने हाथ मिलाया। अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, भारत के संत महामहिम, और यहां तक कि पाकिस्तान के जनरल ने शाहों के इस शाह की बुनियादी बातों को बारीकी से समझा। और फिर वो दिन भी आया जब अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक और शांति के इस मसीहा का चर्चा राष्ट्रपति भवन की दीवारों में गुंजित हुआ। आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि, अहिंसा विश्व भारती is working towards building a society free from violence, terrorism, exploitation, poverty, communalism, caste distinctions, and other social evils. I am happy to note that for his untiring efforts, Acharya ji has been honored by the government with the National Communal Harmony Award 2010. I am confident that Ahimsa Vishwa Bharati will continue to work towards social progress in the country. I wish the organization all success. Munishri ne bhi apni mansha aur lakshya ko puri spashtata ke saath duniya ke samne kis tarah se rakha, aaiye sunte hain. भगवान महावीर के अहिंसा, शांति और सद्भावना के दर्शन की तात्कालीन समय में जितनी आवश्यकता थी, उससे भी अधिक आवश्यकता वर्तमान समय में है। मैं समझता हूँ विश्व की तमाम समस्याओं का समाधान उनके दर्शन में मौजूद है। आज हिंसा और आतंकवाद से केवल भारत नहीं, समूचा विश्व प्रभावित है। बोस्टन से लेकर के बंबई तक तमाम घटनाओं को अगर हम देखें, किंतु मैं माननीय राष्ट्रपति जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि महावीर ने जिस सच्चाई को जड़ में जाकर के जो खोजा था, वे कहते हैं कि हिंसा और अहिंसा के बीज हमारे मस्तिष्क में मौजूद हैं।
यूनेस्को के संविधान ने भी इस बात को स्वीकार किया कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मनुष्य के मस्तिष्क में पैदा होता है। महामहिम राष्ट्रपति जी, वर्तमान का हमारा एजुकेशन सिस्टम केवल हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगा रहा है, जो बुद्धि गणित तर्क के लिए उत्तरदायी है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वे बिल्कुल सोया पड़ा है। अगर इस दिशा के अंदर जैसे आज आपने जैन समाज को प्रोत्साहित किया है इस कार्यक्रम के माध्यम से, पीस एजुकेशन के कार्यक्रम को, यही बात मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से जब मेरी भेंट हुई मैंने उठाई, यूनेस्को में मैंने इस बात को प्रस्तुत किया। मैं आज कह रहा हूं इस समय जो महिला अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, हम अलग अलग घटनाओं को जो टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं उसकी जड़ है, जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है, जो पार्श्विक वृत्तियों के उद्गम का स्थान है, तब तब ऐसी घटनाएं घटती हैं। सजा भय पैदा कर सकता है किंतु उसे जड़ से उखाड़ना है तो हमें पीस एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना होगा शिक्षा प्रणाली में, जिससे कि अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार के दौरान सरकार ने आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि का चुनाव किया। आचार्य लोकेश मुनि graduated in Gurukul tradition, Acharya Lokesh Muni is a spiritual leader, writer, orator and social activist. भारत सरकार ने उन्हें ये अवार्ड देकर अहिंसा की अहमियत को बखूबी समझा। मैं आचार्य लोकेश मुनि जी को इंडिविजुअल कैटेगरी में राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार जीतने के लिए हार्दिक तौर से बधाई देता हूँ। आचार्य लोकेश मुनि जी असाधारण लगन और काबिलियत के धनी हैं। सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने का तरीका एक अनोखा ही है। उन्होंने अपनी पुस्तकों के जरिए समानता खोजने की कोशिश की है, जिससे महान धर्मों के बीच अधिक समझदारी पैदा हो। उन्होंने कई दूसरे तरीकों से भी सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने का काम किया है। आचार्य मुनि जी एक धार्मिक नेता होने के साथ साथ एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वो अहिंसा विश्व भारती नामक सामाजिक सेवा संगठन के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। कई अवसरों पर आचार्य जी ने विभिन्न समुदायों के बीच तनाव कम करने में एक अहम भूमिका निभाई। आचार्य लोकेश मुनि जी की उपलब्धियाँ अपनी थी सराहनीय है। As the chairperson of the jury for the awards, I extend my heartiest congratulations to Dr. Acharya Lokesh Muni for their outstanding work in the field of communal harmony and national integration, for which they have been given the National Communal Harmony Award. Today's function is an important link in the efforts of the government in this regard. I would like to say that the nation salutes you and wishes you all success in your future endeavors. साथ ही आचार्य लोकेश मुनि ने मौजूदा समाज में अहिंसा की जरूरतों को उजागर किया।